नमस्कार दोस्तों, लाभ अनबॉक्सिंग पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है JBL का एक ईयरफोन। देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है C100SI। JBL का इन ईयर टाइप ईयरफोन रेड कलर का है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और पैकेज मुझे आया है पेटीएम की तरफ से। मेरा प्राइस पेटीएम पे लगा है लगभग 750, मगर आज का डेट पे जो है 21 नवंबर 2016, आज का डेट पे अभी amazon.in पे प्राइस चल रहा है 639। तो जो भी ये वीडियो आज देख रहा है, अगर वो लेना चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे देखिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन हुआ है amazon का, तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और पेटीएम पे भी ले सकते हैं, क्योंकि पेटीएम पे थोड़ा कैशबैक चलता है। प्राइस अप्रोक्स 700 ऐसे ही लगेगा। देखिए इधर थोड़ा बहुत मेंशन हुआ है, मॉडल आईडी डिस्क्रिप्शन, देखिए इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। देखिए एकदम रिसेंट प्रोडक्ट है, ज़्यादा तो बैक डेटेड नहीं मिला है मुझे। MRP देखिए मेंशन बहुत ज़्यादा है, मगर ऑनलाइन पे बहुत कम पे मिलता है। ऑफलाइन स्टोर पे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ऑफलाइन अवॉइड कीजिए। और देखिए ये कंपैटिबल सभी पे ही चलता है, लैपटॉप PC टैबलेट सभी पे चलता है। देखिए 1 ईयर का 1 वारंटी एंड 15 ईयर इस पर मेंशन है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और देखिए इधर है ये जो बटन है जो माइक का काम करता है, और कॉल कट कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, और म्यूज़िक प्ले फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, और पॉज भी कर सकते हैं। 9mm का ड्राइवर दिया है, देखिए लिखा हुआ है 9mm डायनामिक ड्राइवर। फ्रीक्वेंसी रेंज का मेंशन हुआ है, प्लग 3.5mm का ये है। और चलिए इसको अभी खोल लेते हम। चलिए हमने इसको निकाल लिया है। देखिए इधर थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है, लगता है JBL हार्मन का। थोड़ा यूज़र मैनुअल है और कुछ लिखा हुआ है इस पर। ये ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत तो नहीं पड़ता है किसी को, मैं जस्ट दिखा दिया आप लोगों को इसको। और एक यूज़र मैनुअल ऐसा ही कुछ है इसका। देखिए ये यूज़र मैनुअल, हाँ ऐसा ही कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस पर। तो अभी ज़रूरत नहीं है, और क्या आता है देखते हैं इस पर। तो चाइनीज़ का लिखा हुआ है, ये भी काम पर नहीं आएगा। तो इस पर कागज़ है, और ये आपका आ जाता है ईयरफोन, रेड कलर का ईयरफोन आता है देखिए। और ये जो बॉक्स खाली है, कुछ भी नहीं है। ये बॉक्स को आप लोग थोड़ा ध्यान पे रखिए, क्योंकि अगर वारंटी की ज़रूरत हो तो अगर ये बॉक्स शायद काम आ सकता है, तो इसको मत फेंकिए, रख दीजिए 1 साल तक। तो अभी ईयरफोन देखिए बहुत अच्छा से पैकेज होकर आया है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है इस पर। तो इसको अभी हम खोल लेते हैं धीरे से। देखिए थोड़ा टाइट है अभी। बहुत ज़्यादा फोर्स करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है ईयरफोन को, क्योंकि ज़्यादा फोर्स करेंगे तो डैमेज हो सकता है ईयरफोन। चलिए अभी निकाल दिया हमने, इसको भी निकाल दिया है, और धीरे धीरे इसको निकालना है, ज़्यादा फोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए निकाल लिया है इसको। देखिए अभी तो और कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये चेंज करके आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। छोटा बड़ा ऐसा कुछ लगाया हुआ है, और ये तो मीडियम साइज का अभी लगा हुआ है। तो ये वाला बहुत सॉफ्ट है रबर का, और ये आरामदायक भी है। देखिए बिल्ड क्वालिटी में आप लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ, JBL मेंशन हुआ है इस पर। देखिए क्वालिटी तो बहुत अच्छा दिखता है, देखिए रेड कलर का बहुत क्लासिक दिखता है, थोड़ा स्टाइलिश है, इधर थोड़ा ऐसा बनाया हुआ है। और देखिए लेफ्ट का निशान बना हुआ है, और
इस पे भी ऐसा ही लाइट कनेक्शन बना हुआ है, देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी देखिए, ये तो टैंगल फ्री केबल नहीं है, नॉर्मल राउंड केबल है, मगर केबल का क्वालिटी JBL है, तो अच्छा तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए लंबाई तो अच्छा है, और ये वाला है इसका बटन, देखिए अच्छा फीडबैक देता है इसको प्रेस करने से। और इस पर देखिए माइक है, और इसको हम खोल लेते हैं अभी। चलिए खोल लिया इसको हमने, तो देखिए बहुत ही लंबा केबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इस पर ऐसा कुछ लगा हुआ है, मेड इन चाइना, और देखिए JBL का ब्रांडिंग दिया हुआ है, एकदम 100% ओरिजिनल है, और गोल्ड प्लेटेड आपको मिल जाएगा, तो साउंड क्वालिटी तो बढ़िया होगा ही। तो देखिए इस प्राइस में JBL आपको मिलेगा, तो कोई और लेने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर विदिन 700 आपको ये ऐसा प्रोडक्ट मिलता है JBL की तरफ से, और ये कलर मैं पर्सनली लिया क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगा JBL के इस प्रोडक्ट के, बहुत अच्छा रेड है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो इसमें और दिखाने का और तो कोई ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, तो एक साउंड प्ले करके इसको हम आपको दिखा देते हैं मेरे स्मार्टफोन पे। हमने इसको कनेक्ट कर लिया, और अभी फ़ोन का माइक्रोफोन से मैं इसको साउंड का चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा इसका साउंड कैसा होता है। तो एक साउंड हमने प्ले कर लेते हैं, चलिए इस फोन का जो MP3 प्लेयर हम ओपन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए साउंड एकदम पूरा फुल है इस पे, एकदम फुल वॉल्यूम पे हम इसको प्ले कर दिया है। अभी इसको माइक्रोफोन के सामने लेकर देखते हैं। देखिए साउंड बहुत ही खूबसूरत है, और इसका जो बेस और वोकल और जो भी बोलते हैं आप लोग ट्रेबल, बहुत खूबसूरत है इसका। और एक ट्रैक में प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला, देखिए इसका बेस कितना सुंदर पड़ रहा है। एकदम कोई साउंड का डिस्टॉर्शन नहीं है, एकदम क्लियर कट साउंड है, और बेस का क्वालिटी भी बहुत ही क्लियर है। तो मुझे लगता है आप लोगों को तो थोड़ा बहुत पता चल गया होगा इसका साउंड कैसा है। चलिए अभी इसको स्टॉप कर देते हैं। यही था मेरा क्विक अनबॉक्सिंग रिव्यू और इसका साउंड टेस्ट। तो ये तो बहुत बढ़िया एक हेडफोन है, क्योंकि मेरे पास है और एक फिलिप्स का ईयरफोन, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया था, फिलिप्स का 1455BK ये वाला प्रोडक्ट। आप लोग अगर इसका रिव्यू देखना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वो भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन की, इसका भी प्राइस लगभग वो 550 ऐसा आया था, मगर इससे ये जो JBL का प्रोडक्ट, इसका साउंड बहुत ही अच्छा है, और इसका फीडबैक भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसका बेस क्वालिटी और का वोकल और ट्रेबल सभी इसमें बहुत ही अच्छा है। तो मैं अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस का बात करूँ तो मैं तो बोलूँगा JBL ही लेना चाहिए,
सो अगर आप लोग लेना चाहे तो जल्दी से लीजिए ऑनलाइन पे, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा कम होता है, कभी कभार थोड़ा इंक्रीज भी हो जाता है, तो जल्दी लेना चाहे तो ले लीजिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो यही था मेरा एक क्विक अनबॉक्सिंग और साउंड चेकिंग का रिव्यू मेरा JBL का C100 SI का। सो ये वीडियो आप लोगों का अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसा छोटा छोटा रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ज़रूर। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू एंड गुड बाय।